नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम पास करने के लिए। साथ ही साथ दूसरी चीज़ मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपको कितने नंबर लाने हैं कि आप एग्ज़ाम पास कर पाओ। तो हर एक सेक्शन से बताऊंगा कि भाग अ ब स तीनों से कितने कितने लगभग क्वेश्चन आप सही कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बुक्स के बारे में देखते हैं। देखिए, कंबाइंड बुक्स और हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक सभी बताऊंगा। ये कमेंट बुक है आपके लक्ष्य की आती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, आप ये परचेज कर सकते हो। और मतलब जिनको कम्बाइंडली पढ़ना है, और मेरी एक राय ये है दोस्तों, देखिए आपकी जो भी राय हो, आपको जैसा भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी एक राय ये है कि सिलेक्शन होने के लिए, देखिए आपको पता है कि अभी कितने सारे फॉर्म भरे जाएंगे तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको क्या है, थोड़ी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो सिर्फ एक कमेंट बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ और अल्टरनेटिव बुक्स आपको लेनी ज़रूरी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये तो वैसे बुक है आपकी, ये भी पढ़ लीजिए। साथ ही साथ कुछ और बुक्स बता रहा हूँ इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप ले लेना। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर और एक वेबसाइट आ रही है। आपको अगर ये सारी बुक्स ऑनलाइन परचेज करनी है कम दामों पर, बाहर से कम दामों पर, तो आप ये इन पर जाके ऑर्डर कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे देखते हैं बुक्स का। देखिए, रीजनिंग की बुक आती है। देखिए, भाग भाग आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रीजनिंग पार करने के लिए आपको एक अलग से बुक चाहिए, ये ले लेना। रामनिवास मथुरिया की एक बुक आती है, रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक है। देखिए, रीजनिंग का जो पहला सेक्शन है वो आता है आपका 30 नंबर का, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत मैथ्स भी आएगी, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कन्फर्म नहीं है, आ भी जाएगा, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आए, हो सकता है चार पाँच क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैथ्स का कहीं ना कहीं उसमें पार्ट है। तो मैथ्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो, वो बेसिक मैथ्स है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। लेकिन रीजनिंग जो भाग आपका 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो रीजनिंग कहीं ना कहीं, अगर मैथ्स का 2-4 क्वेश्चन मैं निकाल दूं तो रीजनिंग 25+ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो 25+ क्वेश्चन अगर आपको खाली रीजनिंग करनी है तो एक बुक अलग से लानी पड़ेगी, ये बुक आप उसके लिए ले सकते हो। अगला भाग ब की बात करते हैं। भाग ब आपका बहुत हार्ड होता है मेरी माने तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए आपके, सिर्फ और सिर्फ एक भाग में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन तो 30 आएंगे, लेकिन ये मार्क्स 15 का ही होगा, यानी हर क्वेश्चन 0.5 मार्क का होगा। अब इसमें सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, अब उनको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारी अलग अलग बुक लानी पड़ेगी, लेकिन इतनी सारी बुक नहीं ला सकते आप। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सामान्य विज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया आती है अरिहंत की, ठीक है। सामान्य विज्ञान के आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं 30 के अंदर से, तो आपको एक बुक लानी ज़रूरी है, इसमें से पढ़ लेना। उसके बाद एक कंप्यूटर के भी आपको मान लो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ल्यूसेंट की कंप्यूटर की लिया ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आपकी जो इच्छा हो वो डाल सकते हो। उसके बाद ये तीन एक साथ लिखे हैं मैंने सब्जेक्ट, ये भाग ब का ही बता रहा हूँ अभी। भारत का संविधान, भारत और विश्व का भूगोल, और भारत के इतिहास, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें के लिए सिर्फ एक बुक लिया ना कॉमन, कौन सी, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की एक बुक आती है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, सामान्य विज्ञान की नहीं, सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट की एक बुक आती है। ये तीनों पार्ट्स आपको उसी में मिल जाएंगे, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो इतना डीपली नहीं पूछते हैं, तो वहाँ से जितना मैटर दे रखा है वो आपके लिए काफ़ी होगा। सिर्फ ल्यूसेंट की एक सामान्य ज्ञान की बुक लिया ना। उसके बाद करंट जीके क्वेश्चन आते हैं, करण जी के वैसे तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही होंगे, लेकिन एक बुक आती है मूमल की, और एक क्रोनोलॉजी भी आती है, अगर आप वो ले सकते हो तो वो भी ले लेना, मूमल ले सकते हो तो मूमल ले लेना, मंथली मूमल ले लो, बहुत अच्छी है करण जीके के लिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी या मूमल मंथली लेते रहो, करण जीके आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद भाग बहुत कंप्लीट हो गया। भाग स, जिनको राजस्थान जीके अलग से पढ़नी है, भाग स यानी आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो देखिए लक्ष्य की आती है, ये तीनों बुक्स हैं कंप्लीट राजस्थान जीके, इनके अंदर ये तो भाग एक आता है, भाग दो आता है, और ये आते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस, लक्ष्य की ये तीनों की तीनों आप ये ले सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपको एग्ज़ाम पास कर लेना है। देखिए, आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है ये कितने का होगा, देखिए 30 मार्क्स तो हो गए आपके रीजनिंग के, 15 मार्क्स हो गए आपके भाग ब के, जिसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल साइंस वगैरह, कंप्यूटर, जीके, ये सब है। लास्ट जो भाग आता है आपका आता है राजस्थान जीके का, तो कुल मिला के हो गए 75 मार्क्स। देखिए 75 मार्क्स के अंदर से 55 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब 55 करने कैसे हैं, देखिए रीजनिंग का सेक्शन, पहला सेक्शन लेके चलते हैं भाग अ। भाग अ में से रीजनिंग की आपकी कम से कम अगर 2 महीने की भी तैयारी है ना, तो इतना मान लो 25 तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। रीजनिंग इतनी कोई हाई लेवल की आती नहीं है, रीजनिंग आएगी बेसिक और मीडियम लेवल की, और वो आप कर सकते हो। ये तो बात हो गई रीजनिंग की, भाग अ की 25 क्वेश्चन की। भाग ब की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हार्ड है, चलो इसके लिए ये थोड़ा सा पहले मैं भाग स का बता देता हूं, भाग ब का फिर हम लास्ट में देखते हैं। भाग स का
कितने हैं 60, मार्क्स कितने हैं 30, ठीक है क्लियर है। 60 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ऐसा चल रहा है रेशियो, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो आपको अगर आपकी राजस्थान जी के, मेरे हिसाब से राजस्थान के स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी होती है, 40, 45 या 50, 40 से हम लेते हैं कितना रेशियो, 40 से 50, अगर आप 40 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आप मार्क्स आते हैं कितने आपके 20, अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो तो आपके मार्क्स आते हैं 25, तो कितना हो गया 20 से 25, ठीक है चलो इतना कर लेते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपके मार्क्स आए 25, तो हम 25 लेके चलते हैं, 25 रीजनिंग के, 25 राजस्थान जी के। तो भाग भाग अगर आपको हार्ड लग भी रहा है तो कंप्यूटर में आप स्कोर कर सकते हो 3 से 4 मार्क्स, ठीक है करंट जीके में स्कोर कर सकते हो 3 से 4 मार्क्स, और जो आपका जनरल साइंस है उसमें भी आप 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन अगर सब में करो तो भी। ये थोड़ा घिचपिच हो गया पूरा, मैं आपको वापस बताता हूँ, जैसे कि भाग भाग के अंदर अगर आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे, 8 से 10 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन नहीं मार्क्स, ज़्यादा 10 ज़्यादा लग रहा है तो आपको 8 मान लीजिए, लेकिन 25 और 25 भाग ब और भाग स के आपके थे ही आपको पता है, तो 50 तो वो हो गए प्लस 8 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, वापस मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, टोटल हो गए आपके 58, और मैंने कहा था आपको लगभग 55 तक आपका श्योर सिलेक्शन है, तो 2-3 मार्क्स ज़्यादा ही है, कहीं 2-3 और कटते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बुक्स मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ना एक वीडियो में।